रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं स्ट्रेंज कैटल की कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे क्या पता चलेगा, व्हाट हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, आपने इस कहानी को पढ़ के इसको कितना समझा है। पहला सवाल है, हाउ डिड द वुड कटर फील व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, उसने कैसा महसूस किया जब वो अपने घर वापस आ रहा था। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आप इस कहानी में पढ़ चुके हैं कि वुड कटर जो था ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था, बट प्राउड, लेकिन फ़ख्र महसूस कर रहा था दैट ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डेज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। वेयर वॉज द कैटल लाइंग, जो कैटल है वो कहाँ पे पड़ी थी। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको पता है कि वुड कटर जो है वो जंगल में से जब गुजर रहा था तो उसने तने, एक कटे हुए दरख्त के तने के पास कैटल को देखा। ही सॉ समथिंग शाइनी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही नो दैट कैटल हैड मैजिक पावर्स, क्या उसको पता था कि कैटल के पास जो है वो अजीब व गरीब ताकत है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको पता है कि उसको वुड कटर जो है उसको नहीं पता था, बिकॉज ही वॉज सरप्राइज टू नो टू एक्सेस इन द कैटल, उसकी बीवी ने जब उसे बताया कि दो कुल्हाड़े पड़े हैं कैटल में। Why did they put their meal into the kettle? उन्होंने अपना खाना कैटल में क्यों डाला। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको पता है कि वो टेस्ट करना चाहते थे मियाँ बीवी कि कैटल वाकई अजीबोगरीब पावर्स रखती है, तो ये देखने के लिए कि अगर हम इसके अंदर अपना खाना डालें तो क्या होगा। When they did the simple meal doubled in size, जब उन्होंने खाना डाला तो वो डबल हो गया। What was their first desire after becoming rich, जब वो अमीर हो गए तो उनकी पहली तमन्ना क्या थी। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। सबसे पहली तमन्ना, क्योंकि वो एक कॉटेज में झोंपड़े में रहते थे, तो उनकी अमीर बनने के बाद पहली तमन्ना ये थी कि उनके पास दे कैन बिल्ड अ बिग हाउस, वो एक बड़ा घर तमीर कर सकें और उसमें एक बाग भी हो उनके लिए। Why did the two women toss the wood वुड कटर इन टू द कैटल, दोनों खवातीन ने वुड कटर को कैटल के अंदर क्यों डाला। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और सोचें कि टू वुमेन वॉन्टेड टू मैन, सो दे थॉट इट्स बेस्ट डील के वुड कटर को कैटल के अंदर डाल दें, तो दो वुड कटर बाहर आ गए। डू यू थिंक द वुड कटर वॉज अ ग्रीडी पर्सन, आपके ख्याल में क्या वो एक लालची आदमी था। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। लालची आदमी जो होता है वो मजीद और मांगता जाता है, लेकिन वुड कटर ने क्या किया, वो ग्रीडी पर्सन नहीं था क्योंकि वो अपनी मेहनत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था। सो ही रिटर्न द कैटल बैक टू द फॉरेस्ट। वाई डिड द वुड कटर पुट द कैटल बैक इन टू इट्स प्लेस इन द फॉरेस्ट, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। उसने अपनी कैटल क्यों वापस जंगल में रख दी, बिकॉज वो उसकी वाइफ जो हैं दे वॉन्टेड टू वर्क टू अर्न देयर ओन मनी, वो मेहनत करके अपनी मनी कमाना चाहते थे। आपको पता है कि प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशगोई करना, जैसे टेक्स्ट में से कोई ऐसे हिंट मिलना जिससे पता चले आगे क्या होने वाला है, जैसे छतरी और लॉन्ग बूट का मतलब है कि आगे बारिश होने वाली है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनमें से जो बेस्ट है, सबसे अच्छा आंसर है, उसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। आप वीडियो यहाँ पर स्टॉप करें और ये तीन ऑप्शंस दी हुई हैं, इनको गौर से पढ़ें और फिर आपके ख्याल में जो सही है उसको टिक करें, जो इस कहानी के मुताबिक सही बनती है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो हमने देखा कि वुड कटर वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे, उसको ना तो दर्द हो रही थी और ना ही वो घर जाने में उसको जल्दी थी। हाउ डिड द कपल टेस्ट द कैटल पावर्स, आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, तीनों ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और देखें कि उन्होंने कैटल्स की स्ट्रेंज पावर्स को कैसे चेक किया। तो हमने देखा कि उन्होंने अपना मील जो है, खाना जो है, वो कैटल के अंदर डाला टू टेस्ट द कैटल्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द वुड कटर होप टू बाय विद हिज रिचेस, जब वो अमीर बन गया तो उसने क्या सोचा कि वो क्या खरीदेगा। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। आपको पता है कि उस मियाँ बीवी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, दे वॉन्टेड अ न्यू हाउस, नॉट अ न्यू हॉर्स, नॉट अ न्यू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, तीन ऑप्शन हैं के स्विर ट्विरल का मतलब होता है तेज़ चक्कर लगाना, बीवी को उठा के उसने तेज़ चक्कर लगाए, तो उसने वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तीनों ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और फिर इसका सही जवाब क्या है कि उसने
अपनी बीवी को केयरलेसनेस की वजह से कैटल के अंदर फेंका. ही केयरलेसली पिक्ड हर अप एंड नेक्स्ट है व्हाई डिड द वुड कटर एंड हिज वाइफ रिटर्न द कैटल टू द वुड्स. वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें. तीनों ऑप्शंस को गौर से पढ़ें और फिर इसके बाद जो सही ऑप्शन कहानी के मुताबिक है उसके ऊपर टिक लगाएं. दे वॉन्टेड टू वर्क टू अर्न देयर ओन मनी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो प्यारे बच्चों, जब आप क्लासरूम में बैठे हों तो आपके हाथ पांव अपने पास होने चाहिए, किसी को टच नहीं करने चाहिए. तवज्जो से बात को सुने और टीचर की तरफ मरकूज रखें अपनी तवज्जो. देखें भी उधर और अपना मुंह भी बंद रखें, क्योंकि इल्म और अदब की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है. क्योंकि इल्म तो इबलीस के पास भी बहुत था, शैतान, लेकिन वो अदब से महरूम था. तो प्यारे बच्चों, हम स्कूल इसलिए आते हैं कि हम इल्म के साथ अच्छे अखलाक भी सीखें. बा अदब बा नसीब. तो अल्लाह ताला आपको अच्छे मैनर्स वाला, अच्छे आदाब वाला बनाए. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आप अच्छी अच्छी वीडियो और देख सकें.